ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मैंने वहाँ पर जाकर मौके पर देखा और काफी कुछ मैंने निर्देशित किया है जिला प्रशासन को, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सर सरकार क्या करने वाली है उसके बारे में बयान देखकर शिक्षा मंत्री दे चुके हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन समझता बड़ा गंभीर मामला है, इसके तहत जाना पड़ेगा और जो सरकार कार्रवाई को कमी नहीं आएगी। इस बात को खुद सरकार ही बोल चुकी है, जांच हम लोग करेंगे, फिर अगर वो दोषी पाए जाए सबसे कार्रवाई भी हम लोग। सर कोरोना के प्रति लोग वापस नहीं, देखिए अभी तो केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन जैसा कहा कि तीसरी वेव कभी भी आ सकती है, जैसे सेकेंड वेव आई थी, इसलिए हम सब बोलते हैं कि प्रिकॉशंस लें, मास्क पहन कर रखें, हाथ धोते हैं, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का, दवाइयों का, मेडिसिन का, हॉस्पिटल बेड्स का, उसको पिछले डेढ़ साल में बहुत हमें मजबूत किया है, इसलिए हम पूरी तरह चाक चौबंद ने तैयार किए हैं कि पब्लिक को समझना पड़ेगा, त्यौहार आ रहे हैं, अब दशहरा दिवाली आ रहा है, तो लोगों को जितना ज़्यादा सतर्क करें उतना बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे कहा जो मौसमी बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं, डेंगू लगातार फैल रहा है जिले में, इसलिए हमें सफाई अभियान, छिड़काव अभियान सब यहाँ चालू करवा रहे हैं। बिहार की जिला परिषद ने एक पहल की है, कमिश्नर साहब ने बोला मेरे को कि भी नया अभियान चला रहे हैं कि पट्टा ऑन द स्पॉट, मतलब घर में जाकर सब दस्तावेज पहले मंगा लें उसके, अरे बहुत बड़ी राहत होती है किसी को। और मैंने कहा कि पट्टा आवेदन कर प्रमाण पत्र तो फोटो नहीं थे, फोटो लग जाते हैं तो फिर अगले ट्रांसफर करने में आसानी रहती है, तो लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं। और देखिए जो सबसे वंचित तबका है उसको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की, हमारी कोशिश है कि सारी सेवाएं मंत्रालयों की, डिपार्टमेंट्स की, विभागों की तक पहुँचे जो सबसे वंचित और गरीब लोग हैं। और इन दोनों अभियानों में प्रशासन शहर के साथ, प्रशासन गाँव के साथ में अच्छा काम हो रहा है और जिले में लगातार हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, जिला कलेक्टर महोदय भी लगातार मॉनिटर कर रही हैं और हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और ये इस अभियान का पूरा लाभ जनता भी उठाए, ऐसा हम लोगों को प्रेरित करते हैं। देखिए सर अस्पताल की काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है, देखिए कोरोना था काम धीरे था लेकिन दोबारा चालू हो गया है और मुझे लगता है शहर का पूरा बदलाव की तरफ चल रहा है, काम गति पर है और समय। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।